हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो साइकिल गरीब की, दिखाना भाई सब। हाँ, ये वाली। गाइस, लोग क्या करते हैं कि इसमें होल लगाते हैं, ठीक है, पीप पीप, ठीक है। अब गाइस, इसमें लगाते हैं एलईडी लाइट, जो कि साइकिल हेडलाइट होती है, वो भी अलग से लगाते हैं। तो फिर मैंने सोचा भाई अलग से क्यों लगाना, इतनी मेहनत क्यों करनी। तो गाइस, आज बिल्कुल नया जुगाड़ लगा है, हम हॉर्न के साथ ही एलईडी लाइट कंबाइन करने वाले, दोनों एक साथ होंगी। और फ्रेंड्स, कोई भाई देख के बता नहीं पाएगा भाई ये क्या है, मतलब क्या है। चले खैर, वो आप बता दोगे। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए आज बिल्कुल नया जुगाड़ होने वाला है। प्लीज दोस्त, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हाँ, कितना दम लगाना पड़ता है। खैर, चलते हैं वीडियो पर, चलो। समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, साइकिल गई और भाई हमारा काउंटर आया। इसमें तो करना है मैं जुगाड़। आलू ले लो, कांदा ले लो। चले गाइस, हम कांदा थोड़ी लेना है यहाँ पर, हम तो जुगाड़ करना है यहाँ पर। चले चलो, दिस इज हॉर्न, देख सकते हो गाइस। आज मेरा मूड करा इंग्लिश बोलने को, तो मैंने बोल दिया। तो भाई ये रहा हॉर्न, देख सकते हो, सिंपल सा हॉर्न है, नया लेकर आऊं, पुराना भी आप यूज कर सकते हो, बस बजना चाहिए कैसे, ऐसे या ऐसे भी, जैसे भी बज सकते हो बजा दो। आपने देखा गाइस कितनी शक्ति मेरे अंदर, बिना बैटरी के हॉर्न बज रहा है, देखो। बस यही चाहिए था, थैंक यू एडिटर। यहाँ पे मेरे पास दो तरह का हॉर्न है, देखिए ये अलग है, ये अलग है, देख सकते हो। देखिए इसके जो किनारे, देखिए जो कॉर्नर है, बॉर्डर है, काफी छोटा है। इसमें देखिए ये भी सेम छोटा है गाइस, इसमें देखिए छोटा सा, देखिए ये एक बॉर्डर अलग से और बना हुआ है, अगर देखो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो कोई से आप लगा सकते हो, दोनों में सेम बिल्कुल एक मेथड रहेगा। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं भाई इसका रिंग कितना बना हुआ है। ये है अप्रोक्स 73 mm, या देखो, हाँ अप्रोक्स 73 mm। तो भाई यहाँ पे लेंगे पीवीसी पाइप की शीट, बड़ा गर्व सा हो रहा बोलने में, जो बात है। नीचे नीचे नीचे, हाँ यहाँ पे देखो। तो गाइस ये था 73, तो हम लेकर चलते हैं पहले 70, बाद में थोड़ा घिस के जो है ना बिल्कुल प्लेट, बिल्कुल मामला फिट कर देंगे, जो बात है। तो भाई 70 का आधा हुआ 35, तो 35 लेते हैं। और भाई इसके बिल्कुल बीचों बीच लगा दो एक सर्कल। अब आते हैं बाहर वाले सर्कल पर, आउटर डायमीटर, ये लेके हम 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब 10 डायमीटर, उसका लेंगे हाफ रेडियस, जब जाके 10 का डायमीटर बैठेगा। बस अब देखिए, इसे यहाँ से कट करना है और इस पार्ट को निकाल देना है काट के। तो लीजिए भाई, देखिए क्या मस्त लग रहा है, सूरजमुखी। और भाई पेंसिल लेते हैं और इसको जितना भी आउट है ना, इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके भार भार हमें काम करना है, जो भी करेंगे। तो गाइस, अब यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, देखिए एलईडीज, देखिए गाइस ये 5 mm की है और भाई ये 8 mm की है हाफ पार्ट में। तो गाइस आप कोई चूज़ कर सकते हो, मैंने काफ़ी बार ये काफ़ी टाइम ये यूज़ कर लिया है। तो गाइस मैं सोचो क्यों ना आपके 5 mm की एलईडी का यूज़ कर लीजिए। ये वाइट है सारी, बहुत अच्छी रोशनी, यानी कि एकदम फोकस मारती हैं और काफ़ी अच्छी इनकी रोशनी होती है। इन्हें यूज़ करते हैं, 12 में यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। भाई ये बारीक बारीक एलईडी इस रिंग में हमें फिट करनी है, रखते हैं साइड में और इसमें ऐसी बस अंदाज़ संभाल लेते हैं, कोई बिल्कुल एक्यूरेट की कोई जरूरत नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है डन। तो भाई इसके बिल्कुल बीचों बीच रिंग के और इस आउटर साइड के होल कर देते हैं 5 mm। तो गाइस ये तो कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं इसके भार के सिस्टम पर, भार का हिस्सा क्या जोड़ेंगे। यहाँ पर लेंगे 4 इंच का पीवीसी का पाइप, आप 3 इंच का भी ले सकते हो। हमें इसका आउटर डायमीटर ही बनाना है, एक बॉर्डर टाइप का हम इसमें ऐड करने वाले हैं। अब इस रिंग को हमें इसके आउटर साइड चिपकाना है, देखिए पर ये थोड़ा सा बड़ा है। तो भाई बड़ा हुआ तक क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और काट दिया, और पता नहीं भाई सागी कहावत क्या है भाई। वाह, बस अभी तो चिपका देते हैं। तो गाइस ये तो भाई बन चुका है, काफी अच्छा भी लग रहा है, देख सकते हो। अब भाई इस पे कलर कर देते हैं मस्त सा बिल्कुल। 3 hours later। तो गाइस ये सूख चुका है और हम भी सूख चुका है नहाने के बाद, काफी ठंड लग रही है। ये है कुछ एलईडी, 12 एलईडी, और भाई फटाफट इसमें लगाते हैं।
तो गाइस कनेक्शन बहुत इजी है, फिर भी आपको बताता हूँ मोटा मोटी। देखिए गाइस, तीन मैंने सीरीज में रखी है, नेगेटिव पॉजिटिव मिला दिया, नेगेटिव पॉजिटिव मिला दिया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बचा और इसका पॉजिटिव बचा, ठीक है। तीन 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 और तीन को सेम सीरीज में, उसके बाद देखिए मैंने सर को पहले में जोड़ दिया, सबका पॉजिटिव एक साथ मिला दिया, देखिए इस तरीके से, और सबका नेगेटिव एक साथ मिला दिया है। और भाई अगर चला के देखे, देखिए ये पॉजिटिव किसी में लगा दो, नेगेटिव को सारे एक साथ है पैरेलल में, सॉरी ये इसका पॉजिटिव है, देखिए बहुत बेहतरीन। और बाद में टेस्ट करेंगे बहुत। फिलहाल इसको परम ग्लूगन यानी ग्लू स्टिक का यूज करते हैं, जिससे फ्रेंड्स ये वाटरप्रूफ हो जाए और भाई ये आपस में लड़ाई भी ना हुआ। लेकिन गाइस इससे पहले मैं इस पर सोल्डिंग कर लेता हूँ, किसी भी एलईडी पर आप लगा सकते हो, चलो जैसे पी लगा देते हैं। लेकिन गाइस इससे पहले हम सॉल्यूशन से इस फोन को इस पर चिपका देंगे, उसके बाद इस पर ग्लूगन का यूज करेंगे, फिर प्रॉपर काम हो जाएगा ना। सॉल्यूशन सबसे बेस्ट है, आप इंस्टर ग्लू का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये काफी अच्छा चिपकाएगी। भाई वायर को नीचे ले लेते हैं, या चलिए इसके साइड में ले लेते हैं, इससे कि थोड़ा ठीक लगे। देखिए बहुत बेहतरीन बॉस, क्या मस्त लग रहा है। देखिए तो लीजिए गाइस, काफ़ी सारी ग्लू स्टिक का मैंने यानी ग्लूगन का यूज़ किया है काफ़ी अच्छी तरह से प्रॉपर चिपकाने के लिए, और ये वाटर प्रूफ भी हो गया, इसमें पानी नहीं जाएगा बरसात का भी, और भाई हॉर्न तो वाटर प्रूफ होता ही होता है तो उसमें पानी नहीं जाएगा। और गाइस ये ग्लू स्टिक जो है काफ़ी मदद करेगा इस हेडलाइट को इस हॉर्न से लगातार चिपकाने के लिए, हटेगा नहीं और काफ़ी मजबूती चिपका जाएगा। तो गाइस मैंने एक वायर सीधा हॉर्न में जोड़ दिया है, किसी भी एक वायर में आप जोड़ सकते हो। तो गाइस ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो, हम चाहे तो साइकिल फिट कर सकते हैं, लेकिन इसे भाई पावर भी देनी है, तो चलिए फ्रेंड इसका फटाफट पावर बॉक्स बनाते हैं। तो गाइस पीवीसी पाइप की शीट का मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब गाइस यहाँ पे यूज करने वाले 18650 की 6 बैटरी, और भाई देख सकते हो यहाँ पर मैंने BMS भी लगा रखा है, तीन बैटरी सीरीज में और तीन बैटरी सीरीज में, फिर इन्हें पैरेलल में करके देखिए इस तरह मैंने काफी बार बना दिया वीडियो में, तो आप देख सकते हो पुरानी वीडियो मेरी, अगर मैं बताऊंगा तो फ्रेंड्स वीडियो काफी लंबी है, आप कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी यूज कर सकते हो। और भाई मैं इसे इसमें रख दूंगा, यहीं से आउटपुट होगा और यहीं से इनपुट भी होगा, आप इसे चार्ज भी कर सकते हो, उसे डिस्चार्ज भी कर सकते हो। तो गाइस तो कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से काम करेगा, अभी प्रैक्टिकली देख लेंगे। और गाइस इसे रोकने लिए बहुत ही हैवी जुगाड़, देखिए गाइस ये शीट बहुत हैवी है, आओ लग गई कट लग गया, अब देखिए गाइस देखिए ये ऐसी टूट जाएगी। तो भाई आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लेनी है जो भाई टूटे ही ना। और भाई इसे चिपका देंगे इसके ऊपर, अभी देखते रहिए कैसे कैसे करने वाले हैं, अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, चिपका लो अच्छे तरीके से। गाइस अब लाइट को हॉर्न को चलाने के लिए एक पुश स्विच और भाई एक टॉगल स्विच देख सकते हो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, भाई इन्हें फटाफट इसमें मैं फिट कर दूंगा, एक छोटा सा पीस ले, ये भी काफ़ी हैवी शीट है देख सकते हो। तो चलेगा अब फटाफट इन्हें साइकिल में फिट करते हैं। तो भाई ये हॉर्न प्लस लाइट हेडलाइट चाहे तो हम यहाँ फिट कर सकते हैं, इसे पत्ती को थोड़ा सा टेढ़ा ऐसे कर देंगे, लेकिन गाइस यहाँ मैं कुछ और फिट करने वाला हूँ वो देखते रहिए, मैं इसे यहाँ फिट करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल जैसा अभी यहाँ पे ही लगाना चाहिए। हैंडल पर मैं लगाने वाला हूँ बैटरी, और भाई ये मैं थोड़ा सा हीट करूंगा जिससे कि थोड़ा सा फिक्स हो जाए यहाँ पर, और मैं इसे नट बोल्ट से टाइट कर सकूँ अच्छे तरीके से, जो कोई निकाल ना सके मुझ जैसा भाई, सॉरी मतलब कोई भाई। तो गाइस काफी भाई मजबूत हो गए और आसानी से नहीं निकलेगा, देखिए। तो गाइस दोनों लग चुके हैं, चलिए फटाफट इसकी वायरिंग करते हैं। तो गाइस ऑन ऑफ स्विच और भाई टॉगल स्विच मैं यहाँ फिट करने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा, देखिए इस तरीके से ये पुश होगा, यही हॉर्न का और भाई ये लाइट का होगा, तो मैं इसे यहाँ रोक दूंगा। गाइस सारे कनेक्शन कर दिए बहुत ईजी, फिर आपको मोटा मोटा बताता हूँ। गाइस जो नेगेटिव वायर देखिए ये एलईडी पर भी है और देखिए एक हॉर्न पर भी है, ठीक है, देखिए ये एक नेगेटिव वायर, ठीक है। अब देखिए ये जो ब्लू वायर है ये सीधा हॉर्न का है, ठीक है, देखिए सीधा स्विच में जा रहा है पुश में, ठीक है। अब देखिए जो रेड वायर है देखिए ये पॉजिटिव है एलईडी का, ठीक है, यानी देखिए एक ब्लैक वायर और रेड वायर होगा एलईडी का, और एक ब्लैक वायर और भाई ब्लू होगा ये हॉर्न का होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों लग रहे हैं, देखिए एलईडी का वायर जो टॉगल स्विच पे है, और देखिए जो ब्लू वायर हॉर्न का ये पुश स्विच पर, ठीक है। अब देखिए ये एक रेड वायर है, दोनों पे कनेक्ट है, अब देखिए ये इसमें गया, दोनों सॉकेट में चले गए, देखिए सॉकेट यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और देखिए मैं बटन पुश करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन। और बाकी सब चीज़ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्लीज़ बने फटाफट मैं इन्हें फिट कर देता हूँ।
तो गाइस ये कंप्लीट हो चुकी है। चले फ्लावर्स की टेस्टिंग करते हैं। तो भाई हॉर्न टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए भाई वाह दे गाइस, भाई पूरी की पूरी कार वाली फीलिंग आ रही है। गाइस किसी को लगा कि पीछे से कार है, ये नहीं पता कि भाई बाइसिकल या साइकिल आ रही है। देखिए भाई बहुत तेज के साउंड है उनके, भाई बिल्कुल करारी आवाज। गाइस इस पावर बॉक्स की या बैटरी बॉक्स को आप आराम से निकाल कर रिचार्ज कर सकते हो। नट बोल्ट यहाँ पे लगे, इन्हें लूज कीजिए और भाई आराम से खोल के इसे रिचार्ज कर सकते हो। चाहो तो गाइस इसे ना खोल के आप इस तरीके से यहाँ पर लगा कर इसे रिचार्ज कर सकते हो, यानी कि चार्जर की ऐसे लगाइए सॉकेट और भाई इसे रिचार्ज कर लीजिए। यहाँ पर हो गया हॉर्न का स्विच और फ्रेंड्स हो गया हेडलाइट का स्विच। और गाइस आप चाहो तो इस बॉक्स पे कोई कलर भी कर सकते हो, मैंने इसलिए नहीं किया। आपको समझ आया तुमने ब्लैक किया या तुमने रेड किया, तो भाई आप अपने हिसाब से जैसा मर्जी कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने जुगाड़ लगाया। देखिए हॉर्न तो फ्रेंड्स आपको लगानी है, तो आप गाइस आप हेडलाइट भी लगा दे इसके अंदर ही। चलिए गाइस फटाफट इसकी हेडलाइट भी टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस चलिए ऑन करते हैं। देखिए वाह देखिए गाइस क्या मस्त लाइट है। देखिए आप इसकी लाइट देखिए, रोशनी देखिए, ब्राइटनेस, और देखिए फोकस देखिए गाइस इसका। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोकस मार रहा है, देख सकते हो। और भाई हॉर्न मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखते कितना इफेक्ट पड़ता है लाइट पर। देखिए हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए देख सकते हो तो काफी अच्छी इसकी ब्राइटनेस है, भाई बहुत अच्छा फोकस मार रही है। जहां पर करना गाइस आप इसे ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है देख सकते हो इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो। जहां भी आपको करना हो देखिए ऊपर को या थोड़ा सा नीचे को इस तरीके से आप सेट कर सकते हो। और देखिए बहुत ही बेहतरीन। तो चले गाइस अब फटाफट इसका रोड टेस्ट करते हैं। चलिए जूम। तो गाइस मैं रात में आ गया, भाई यहाँ काफी अंधेरा है, जंगल में आ गया हूँ। ऑन करता हूँ, देखिए गाइस क्या रोशनी है। देखिए फोकस देखिए नीचे, बहुत ही बेहतरीन गाइस आपके लिए, बहुत है कि साइकिल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा लाइट है। तो चले गाइस मैं आपको भाई चला के दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली करना था हमारा काम, देख सकते हो यहाँ पर। और काफ़ी भाई रोशनी है, काफ़ी मज़ा आया नाइट में, ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, देख सकते हो। गाइस अब मैंने एक बात नोटिस की, देखिए हॉर्न बजाता हूँ। देखिए गाइस इसके हॉर्न के जो साउंड है वो बिल्कुल आग बुझा रहे हैं जहाँ पर होनी चाहिए। अब क्यों गाइस हॉर्न के साइड में एक कवर टैग पर चढ़ गया है, तो उसकी डायरेक्शन एक साइड हो गई है, तो फ्रेंड काफी लाउड आवाज हो गई है आगे की तरफ, तो इसका काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और भाई जो बताया फ्रेंड्स सिंपल सा जुगाड़ आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।